Hello dear students, so this will be our second lecture on trigonometry, but before starting it, पहले हम कुछ questions quadratic का practice कर लेते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था कि अभी हम quadratic को end up नहीं कर रहे हैं, मतलब officially lecture complete हो गया, but अभी हम touch में रहेंगे questions के, ठीक है? तो एक question लिखते हैं हम, देखो question क्या है? If x square plus x plus 1 is a factor ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये इसका एक फैक्टर है, देन द रियल रूट्स, देन द रियल रूट ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो इज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम तुम कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, और मैं तो इसको बता ही रहा हूं। अच्छा, जो उसने बोला रियल रूट्स निकालना है, दैट यू हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी, क्योंकि और कोई तो डाटा दे नहीं रखा है, ठीक है ना, तो या फिर लिख लो, लिखना है तो ब्रैकेट में, वी हैव टू फाइंड द रियल रूट्स इन टर्म्स ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स एबीसीडी, ठीक है। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला है कि जो ये है ना, ये जो क्वाड्रेटिक दिया है, ये इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन? देखो मैंने बोला कि अगर इसके रूट वन और टू है ना, तो जैसे मान लो, एक मिनट के लिए, इसके नहीं है बट मैंने मान लिया, अज्यूम किया, लेट्स से चलो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, डोंट फॉरगेट अबाउट वन और टू। मैंने बोला अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अगर ये इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है मतलब क्या होता है कि दिस कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखते हैं हम, दिस कैन बी रिटर्न एज दिस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इन टू सम लीनियर फैक्टर, दिस इज माई क्यूबिक। इसका मीनिंग यही हुआ कि ये जो है वो इस क्यूबिक का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली, कि जो इसके रूट्स हैं वो तो क्यूबिक के रूट्स हैं ही हैं। समझ में आया क्या बोला मैं? जो इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, वो तो क्यूबिक के रूट्स होंगे ही होंगे, क्योंकि क्यूबिक का एक फैक्टर है ना ये, और क्यूबिक के तीन रूट होंगे, दो तो हमें क्वाड्रेटिक से मिलेंगे और एक लीनियर से मिलेगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, बेसिकली इसके जो दो रूट्स हैं वो तो इसके साथ कॉमन है ही, जो तीसरा रूट है ना वो निकालना है। अब इसमें रियल इसलिए यूज किया है क्योंकि अब तुम ध्यान से देखो इस क्वाड्रेटिक को, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डी नेगेटिव है, तो इसके तो इमेजिनरी होंगे दोनों रूट्स, तो वो दो इमेजिनरी रूट्स इधर भी आ जाएंगे, बट इधर एक और होगा, दैट इज रियल रूट। तो ओवरऑल वी विल हैव थ्री रूट्स फॉर दिस क्यूबिक, क्लियर है? तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा, अब इसके रूट निकाल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, लेट से अल्फा एंड बीटा निकले, तो अल्फा क्या होगा हमारा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर डिवाइड बाई टू, दिस विल बी इक्वल्स टू, चलो इसको ऐसे छोड़ दिया, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू। सो लेट से मैं प्लस वाले के करस्पॉन्डिंग अल्फा बोल रहा हूं और माइनस वाले के करस्पॉन्डिंग बीटा बोल रहा हूं, दिस इज माइनस वन माइनस रूट थ्री बाई टू। अभी आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, जिसके रूट्स ये है ना, ये और ये दोनों, इसको अभी के लिए मान लिया, अगर मतलब याद रखना तो याद रख लिया, नहीं तो हम बाद में पढ़ेंगे। इसको जनरली हम बोलते हैं ओमेगा, स्टैंडर्ड नोटेशन है, और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। व्हेन यू स्क्वायर दिस क्वांटिटी ना, यू विल गेट दिस थिंग, दिस इज माइनस थ्री, ठीक है ना, या फिर इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाय टू, आई नहीं सही होता, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाय टू, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसके रूट हमारे क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या फिर बोल दो अल्फा एंड बीटा। अब क्या है कि मुझे इसका रियल रूट बताना है, तो अब देखो अब हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। मैंने क्या बोला अब कि इसके जो रूट हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसके दो रूट तो वही आएंगे, कौन से वाले, जो अभी हमने इसके निकाले, कौन क्या क्या निकाले थे, माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू और माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू, और एक रूट मान लिया गामा जो रियल वाला है, दिस इज बेसिकली रियल वन, और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी, क्लियर है? अब क्या करें, अब हम लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, उससे हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। और थियरी ऑफ इक्वेशन से कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव,
तो इन तीनों का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू, दिस इंटू अदर रूट माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाय टू, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड दिस इज वॉट माइनस ऑफ डी बाय, माइनस ऑफ डी बाय। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ये ओमेगा होता है और ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, व्हेन यू विल टेक प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ना यू विल गेट वन, एक प्रॉपर्टी भी होती है ओमेगा क्यूब इज वन। ठीक है, वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे, अभी के लिए हम कैसे समझेंगे, तुम जस्ट इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को। तो कैसे करेंगे देखो, गामा तो मैंने इधर लिखा है, गामा देखना ध्यान से, ये टू टू दा फोर आ गया तो ये मैं नीचे फोर लिख रहा हूं। ठीक है, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो, तो माइनस वन पहले इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन, फिर माइनस वन इस माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस रूट थ्री माइनस थ्री, फिर ये माइनस रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस टाइम्स अंडर रूट माइनस थ्री, और लास्टली ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री इंटू माइनस टाइम्स अंडर रूट माइनस थ्री, तो क्या जाएगा एक तो माइनस आएगा और अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर। देखो समझ में आया क्या? अब देखो ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया दोनों टर्म, नाउ दिस विल बी वॉट माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, थ्री प्लस वन फोर, और ये डिनोमिनेटर फोर लिखा है तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, गामा इंटू वन इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो यहां से हमारा गामा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ जो उसने बोला था एबीसीडी के टर्म्स में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इवन तो हमें वो कॉम्प्लेक्स वाली नॉलेज नहीं भी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, विदाउट दैट ऑल्सो वी कैन डू, जैसे कि मैंने अभी किया, और हाँ वो पता होता तो इतना हमें नहीं करना पड़ता मल्टीप्लीकेशन वगैरह। क्यों? क्योंकि उधर हमें डायरेक्टली पता होता है इसके रूट्स है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब इज एक्चुअली वन, तब हमारे लिए थोड़ा फास्ट हो जाता, बट कर तो अभी भी हम पाए। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक नॉलेज। समझ में आया? चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इफ एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स की पावर फोर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो हैव कॉमन रूट, हैव कॉमन रूट, देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, देन सेट ऑफ एग्जॉस्टिव वैल्यूज ऑफ ए इज, या फिर सिंपली लिख लो देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए या वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलो तो कैसे करें, तो इसमें बोल रखा है इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है, वी डोंट नो कितने रूट से कॉमन है, इतना बोल रखा है ये कॉमन रूट है, तो एक तो होगा कम से कम कॉमन रूट, तो मैंने बोल दिया लेट द कॉमन रूट इज अल्फा, लेट द कॉमन रूट इज अल्फा। क्लियर है? अब क्या करें, अल्फा इन दोनों का रूट है तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो करा दिया सेटिस्फाई, तो इधर से मेरा आएगा अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, और इधर से मेरा क्या आ जाएगा अल्फा की पावर फोर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? इससे मेरा आया ये और इससे मेरा ये आया। ठीक है, अब क्या करें हम, अब देखो अब मैं तीसरी इक्वेशन लिख रहा हूं विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, तो देखो क्या लिखा हमने, या फिर यहीं से बोल दो कि मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, या फिर अल्फा पुट करके सब्ट्रैक्ट किया, मैं क्या कर रहा हूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो दिस माइनस दिस कर रहा हूं, अल्फा की पावर फोर माइनस अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये मैंने डिफरेंस से निकाला इन दोनों से, इन दोनों के, तो इसका मतलब क्या है, या तो तुम देखो अगर तुम्हें अल्फा नहीं रख के करना तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है ना, इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट इट लाइक दिस वे यू कैन सब्ट्रैक्ट इट दिस वे आल्सो। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए अल्टीमेट टास्क। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, क्योंकि हमने क्या किया दिस प्लस माइनस वन टाइम्स दिस। ठीक है ना, हमें पता है कि किसी कॉन्स्टेंट से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके और एड करने को हम क्या बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लिख लो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू इक्वेशन, दिस इज लीनियर combination, this is linear combination of above two equation। clear है? तो इसका मतलब इनमें जो common roots था वो इसमें भी carry हुआ होगा 100%। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है,
तो देखो अब देखो इधर में क्या कर रहा है, इन दोनों में से मैंने अल्फा क्यूब कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस वन, फिर इधर से मैंने अल्फा कॉमन लिया तो इधर से आ जाएगा मेरा ये ए अल्फा है, ठीक है ए अल्फा कॉमन लिया तो इधर से आ जाएगा अल्फा माइनस वन और ये जीरो है इज इक्वल टू जीरो, फिर इधर से मेरा अल्फा माइनस वन कॉमन आ गया, फिर इधर बचा अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा ऊपर इसको रब कर रहा हूं, देखना ध्यान से, तो इससे मेरा इधर से अल्फा और कॉमन आ जाएगा तो बेसिकली ये क्या है अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो। देखो अगर तुमने अल्फा नहीं रखना है ना, जैसे मैंने तुम्हें थियरी में बताया था, तुम डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हें बस इधर क्या होगा तुम्हारा एक्स 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 आ जाएगा, क्या आएगा अगर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो इंस्टेड ऑफ दिस तुम्हें ऐसी इक्वेशन दिखाई देगी एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज व्हाट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ठीक है ना। चलो इससे समझते हैं, मैंने बोला दिस इज व्हाट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, तो इसका रूट कैरी होगा। तो अब देखो अब मुझे दिख रहा है कि इसके रूट क्या क्या आ रहे हैं, देखो अब देखो ये तो फैक्टराइज हो गया, इसके रूट निकालना तो आसान हो गया। एक तो इस फैक्टर के कारण क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके कारण आएगा एक्स इज इक्वल टू वन, और इसके कारण आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ए। इधर से दो रूट आए, ये दो और ये दो चार आ गए, ये फोर डिग्री था हमारा, फोर डिग्री पॉलिनोमियल है तो चार रूट होंगे। अब उन चारों में से कॉमन कौन सा होगा अब वो जज करना है हमें। अब एक मिनट वीडियो पॉज करके तुम सोचो कौन सा होगा, कैसे वेरीफाई करेंगे कौन सा करेक्ट है। तो देखना मैं बता रहा हूं, अरे मान लिया चलो x = 0 एक सेकंड के लिए मान लिया कॉमन रूट है, अगर कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने क्या बोला कि तुम लोग इसको पहले कॉपी करो, ठीक है मैं रब कर रहा हूं। क्या बोला मैंने कि अगर x = 0 अगर इन दोनों का कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0 इसमें रखूंगा तो क्या आएगा 0 क्यूब प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई किया क्या 0 क्यूब प्लस a इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो गलत हो गया ना, 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला रूट पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? अब आते हैं, चलो इस पे आते हैं पहले, इससे पहले मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए अगर कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों को करेगा आई मीन। तो पहले हमने इसमें वेरीफाई करके देखा, मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, इसमें रख के देखा क्या आता है। तो देखो इधर क्या लिखा है एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 के क्या हो जाएगा इधर से माइनस ए इंटू माइनस ए विच इज ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर इज माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 100% इसका मतलब ये रूट होगा, बिकॉज हमें पता है कॉमन रूट तो है, ये हमने रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया। कोई बोलेगा सर आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए रखा, ये रखो 1 एंड द सेम थिंग, तुम चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो एक ही बात है, क्लियर है। तो फाइनली मुझे कंक्लूजन क्या निकला एक्स इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, 1 कॉमन रूट है तो रख दो इसमें। फाइनली हमारा क्या निकला x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, रूट निकल गया तो इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा 1 क्यूब प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फाइनली यू विल गेट a की वैल्यू इज माइनस 2, तो दिस इज द ओनली वैल्यू ऑफ a फॉर विच दीज टू इक्वेशंस विल हैव अ कॉमन रूट। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना, चलो तो तुम लोग वीडियो पॉज करो कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चन पहले तुम्हें ट्राई करने हैं, ठीक है ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉज करके, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है तब ज्यादा सीखोगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, और दे रखा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, चलो ये भी लिख लो एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो शुरुआत करते हैं, तो पहले मैंने एक काम करता हूं, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, उसके बाद हम डिनोमिनेटर पे जंप करेंगे, या फिर पहले डिनोमिनेटर को कर लेते हैं, छोटा सा दिख रहा है, तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड। तो मैंने क्या, मेरा टारगेट क्या है ना, कि जो जितने भी टर्म्स हैं हर एक टर्म्स को आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। क्या बोला मैंने, जो हर एक टर्म है आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस दैट एज
इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, पहले मैं डिनोमिनेटर मैंने क्या लिखा एक्स प्लस वन बाय एक्स, ये तो अपने आप में है ही लिखा ही हुआ है। अब देखो इधर मैं फॉर्मूला लगाता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो वी नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज वॉट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, सॉरी इधर प्लस आ गया तो इधर माइनस ए बी होगा, तो माइनस ए बी एक्स इंटू वन बाय एक्स वन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्या अभी ये पूरा कन्वर्ट हो गया एक्स प्लस वन बाय एक्स पे? नहीं, इतना पार्ट बाकी है, तो फर्दर इसको करता है। तो देखो पहले तो अच्छा एक और मैं सब्स्टिट्यूशन इसमें कर रहा हूं, देखना क्या कर रहा हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई लगे एक्सप्रेशन बल्कि ना लगे। तो जो ये वाला जो पैटर्न है ना एक्स प्लस वन बाय एक्स हर एक जगह वही दिख रहा है, तो उसको मैंने एक मिनट के लिए टी मान लिया, सो दैट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा लाइट लगेगा। ठीक है ना, अभी थोड़ा बल्कि लग रहा है, मैंने बोला लेट एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू टी, लेट एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू टी। तो देखो मेरी इक्वेशन क्या बनी, ये तो हो गया टी क्यूब प्लस दिस इज टी। अच्छा अब देखो इस वाले ब्रैकेट को देखना, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, सो इसको मैं क्या लिखूंगा एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, इससे मेरा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बट इससे प्लस टू आ रहा है तो माइनस टू। अब ये दोनों फैक्टर मिला के एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है, बट एक और माइनस वन दे रखा है तो माइनस वन। आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक, समझ में आया? अच्छा अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरा ये इधर टी रख देता हूं, तो ये हो गया टी क्यूब प्लस टी इंटू ये हो गया टी स्क्वायर माइनस थ्री। तो फाइनली वी आर गेटिंग टी कॉमन ले लेता हूं, नहीं तो एक काम करो ओपन कर दो पहले टी क्यूब प्लस टी क्यूब माइनस थ्री टी, तो यू विल गेट टू टी क्यूब प्लस माइनस थ्री टी विच इज नथिंग बट टी टाइम्स टू टी स्क्वायर माइनस थ्री। ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया, इतना आ गया डिनोमिनेटर, तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये डिनोमिनेटर मेरा टी के टर्म्स में क्या आ गया, दिस इज टी टाइम्स टू टी स्क्वायर माइनस थ्री, टी टाइम्स टू टी स्क्वायर माइनस थ्री, ये मेरा डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है अब देखना, लेट मी ओपन द डोर। अब देखो अब मैंने बोला अब मैं न्यूमरेटर पे वर्क कर रहा हूं, तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको लिख लो। मैंने बोला अब हम न्यूमरेटर पे वर्क करते हैं, तो न्यूमरेटर के लिए भी सेम टारगेट है, बट न्यूमरेटर थोड़ा और ज्यादा बल्कि दे रखा है बिकॉज इधर पावर सिक्स वगैरह दे रखी है ना, ये तो ठीक है टी टी की पावर सिक्स लिखा है, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे, दैट वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। ठीक है तो देखो कैसे करेंगे, तो पहला तो वो लिखा है टी की पावर सिक्स माइनस, अब देखना मैं इधर ब्रैकेट लगा रहा हूं, ब्रैकेट वगैरह का भी इंपॉर्टेंट रोल है, देखना इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का क्यूब और इसको वन बाय एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा रहा हूं मैं इधर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या आएगा देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू क्या आएगा मेरा ए स्क्वायर विच इज एक्स की पावर फोर प्लस बी स्क्वायर विच इज एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस वन। अभी जो मैंने इतना पार्ट लिखा है दिस इज बेसिकली वॉट एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स। क्लियर है यहां तक? अभी तो इतना पार्ट लिखा है मैंने, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट जो ब्रैकेट लगा रखा है दैट इज ओनली फॉर दिस एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर सिक्स, हमने उसको लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू, अब माइनस टू बाकी है तो माइनस टू भी लगा दिया। क्लियर है? चलो क्या अभी एक्स अभी टी के टर्म्स में लिखा हो सकता है क्या, मतलब अभी दिख रहा है क्या? नहीं अभी नहीं दिख रहा, और करना पड़ेगा। कैसे करेंगे फिर देखो, ये तो टी की पावर सिक्स है माइनस, अब देखना इसको अगेन आई कैन राइट एज एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, इतने ब्रैकेट को ये वाला ब्रैकेट को। क्लियर है? क्या लिखा एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, तो अब मैं इसको टी स्क्वायर माइनस टू लिख लू, यही मिटा रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना। ठीक है आई एम राइटिंग दिस एज टी स्क्वायर माइनस टू, तो मैं इसको रब करके सो दैट छोटा लगे, दिस इज टी स्क्वायर माइनस टू। अब इस ब्रैकेट पे आते हैं, नाउ विल दिस ब्रैकेट, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, इसको छोड़ दो एक माइनस वन को छोड़ दो, इन दोनों टर्म्स को क्या लिखूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, दिस इज एक्स की पावर फोर प्लस वन बाय एक्स, और प्लस टू ए भी आता है, प्लस टू आएगा तो माइनस टू, ये तो इतना पार्ट हो गया, माइनस वन और करना है तो माइनस वन, ये ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस टू। क्लियर है? अभी क्या कन्वर्ट हो गया? नहीं अभी एक और महीना, एक बार और लगाना पड़ेगा, लास्टली इसको दोबारा एक्स प्लस वन बाय एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है तो देखो अब ये हो गया टी की पावर सिक्स माइनस ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टू
ठीक है। इन सच क्वेश्चंस थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो हर एक स्टेप पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है, बाकी फ्लो तो एक ही है, टारगेट एक ही है कि वी हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। अब देखो मैंने इस ब्रैकेट को मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बोल रहा हूं, चलो ठीक है। अब ये माइनस टू माइनस वन एक साथ लिख देते हैं माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो पहले मैं इस ब्रैकेट को देख रहा हूं, इस ब्रैकेट को इसमें क्या लिखूंगा मैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। ये तो अभी इतना पार्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, बट इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। फिर मेरा आया अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज और एक ये बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज माइनस टू। आई होप क्लियर हो गया वह। अब हमारा फाइनली ये भी टी में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस वन बाय एक्स हो गया, मतलब टी में हो गया। तो देखो मैं इसको रब कर देता हूं इधर थोड़ा, चलो रब करने की जरूरत नहीं, इधर ही लिख लेते हैं। टी की पावर सिक्स, टी की पावर सिक्स माइनस माइनस, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर माइनस टू, तो टी स्क्वायर माइनस टू अब ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट देखो, ये वाला ब्रैकेट, तो देखो इधर क्या लिखा है टी स्क्वायर माइनस टू, पहले मैं इसको इधर ही रब कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, इसको लिख रहा हूं मैं टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरा ये देखो, टी की पावर फोर, टी की पावर फोर माइनस फोर टी स्क्वायर, देखो ध्यान से माइनस टू टाइम्स ये भी आएगा ना, तो माइनस फोर टी स्क्वायर, माइनस फोर टी स्क्वायर, और इधर से आएगा प्लस फोर माइनस थ्री, कितना हो जाएगा फोर माइनस थ्री वन, तो प्लस वन, ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर बाहर हमारा माइनस टू और लिखा है। अभी थोड़ा कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। अब मैं इसको और रब कर रहा हूं इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को और रब कर रहा हूं। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो फिर दोबारा स्टार्ट तो नहीं करेंगे, बट देखने कैसा, होप सो नहीं हो मिस्टेक, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा इसमें अगर हुआ तो हमारा, ठीक है, प्लस माइनस, और अगर प्लस माइनस का ही मिस्टेक होगा ना तो आंसर नहीं आ पाएगा, बताऊंगा। देखो अभी तो टी की पावर सिक्स माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो टी स्क्वायर इंटू टी की पावर फोर, टी की पावर सिक्स, फिर टी स्क्वायर इंटू माइनस, तो माइनस फोर टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस टू टी की पावर फोर, माइनस टू टी की पावर फोर, फिर माइनस टू इंटू माइनस फोर टी स्क्वायर इज एट टी स्क्वायर प्लस एट टी स्क्वायर, और माइनस टू इंटू वन माइनस टू, और इधर हमारा माइनस टू लिखा है, क्लियर है। तो देखो ये टी की पावर सिक्स और ये टी की पावर सिक्स कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू, और ये माइनस टू कैंसिल, तो अब हमारा क्या बचा देखो फाइनली, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये माइनस इससे, एक मिनट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, टी की पावर सिक्स माइनस फोर टी की पावर, ये फोर है ना यार, ये फोर है, सी यार, टी की पावर सिक्स टी स्क्वायर इंटू टी की पावर सिक्स, फिर ये टी स्क्वायर इंटू माइनस फोर टी स्क्वायर माइनस फोर टी की पावर फोर, ठीक है ना। चलो अब देखो और एक आटा हुआ देख लेते हैं, कुछ इधर उधर ना हो गया हो, एक बार टी की पावर सिक्स माइनस फोर टी की पावर फोर, फिर टी स्क्वायर इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट है, फिर माइनस टू टी की पावर फोर प्लस एट टी स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, आई होप कलर करेक्ट हो तो अच्छी बात है। तो माइनस अंदर लेके गए, तो पहले उससे पहले मैंने, चलो पहले टर्म्स को क्लब कर लिया, तो माइनस फोर टी की पावर फोर और माइनस टू टी की पावर फोर कितना हो गया माइनस सिक्स टी की पावर फोर, ये वाला टर्म और ये टर्म, टी स्क्वायर प्लस एट टी स्क्वायर प्लस नाइन टी स्क्वायर, इतना ही बचा बस मेरा, ये सब तो बाकी कैंसिल होगा, माइनस को अंदर लेके गए, तो ये सिक्स टी की पावर फोर माइनस नाइन टी स्क्वायर, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, थ्री टी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, थ्री टी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने लिया थ्री टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो इधर बचेगा टू टी स्क्वायर माइनस थ्री, देखो लकीली उसमें भी वाला फैक्टर आ रहा था टू टी स्क्वायर माइनस थ्री, तो अब ये तो मेरा क्या था न्यूमरेटर ना, दिस इज न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी मैंने निकाला, तो लकीली हमारा क्या आ रहा है एक फैक्टर कैंसिल हुआ है, दिस इज व्हाट न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर ये रहा मेरा टी टाइम्स टू टी स्क्वायर माइनस थ्री, सो दिस इज गेट कैंसिल आउट, एक टी से टी भी गया, तो फाइनली हमारा वो इतना बल्कि सा एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर क्या आ गया थ्री टी, और टी हमारा क्या है
एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है एक्स का दैट इज रिड्यूस टू थ्री इंटू टी, टी हियर इज एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो ओवरऑल इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए मुझे, इसकी मैक्सिमम। तो इतना सारा मेहनत केवल हमें इसमें लगा, ये लाने में लगा। अब कोई मेहनत नहीं, अब तो चुटकियों का काम है। अब तुम्हें मैंने बताया भी है वैसे x प्लस वन बाय एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं या क्या होता है, स्टैंडर्ड है ये तो, ठीक है ना, या फिर AMGM से भी कर सकते हो इसको। अदरवाइज यू हैव टू मेमोराइज दिस, क्या कि x प्लस वन बाय एक्स, मैंने बेसिक मैथ में कवर किया था, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू और x प्लस वन बाय एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू। ये कब होता है फॉर पॉजिटिव x और ये कब होता है फॉर नेगेटिव x। तो इसका मतलब, और मुझे पता है एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इसकी ये सबसे छोटा क्या हो सकता है टू। तो ये दो ये इन थ्री इंटू क्या लू इसका कि सबसे छोटा आ जाए, इसकी सबसे छोटी वैल्यू दैट इज टू, तो थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज सिक्स फॉर एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो तो फिर अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। चलो अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। तो कल हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक तो मेजरमेंट पढ़ा था हमने, ठीक है ना, सिस्टम कि एक तो डिग्री होता है और एक होता है हमारा एंगल मेजरमेंट सिस्टम, एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है, और रेडियन को हम एक और क्या बोलते हैं सर्कुलर। फिर हमने एक कन्वर्जन फॉर्मूला देखा था रेडियन से डिग्री के लिए, क्या था, डी अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई, वेयर डी इज एंगल इन डिग्री मेजरमेंट, सी इज एंगल इन रेडियन, ठीक है। तो अगर सी दिया है मतलब एंगल इन रेडियन दिया है तो हम 180 को इधर लेके डी निकाल लेंगे, अगर डी दिया है तो पाई को इधर ले जाएंगे सी निकाल लेंगे, ठीक है ना, डी और सी में से एक चीज दी होगी दूसरा निकाल लेंगे। तो कल हमने इतना ही डिस्कस किया था, हालांकि इससे ज्यादा नहीं कर पाए थे। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो लिखो इसके आगे, चलो इसके आगे लिखो। अब मैंने बोला टॉपिक लिख लो पहले, कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ या और लिख लो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और इसी के अंदर लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर, तीनों चीज एक साथ कवर हो जाएंगी, एरिया ऑफ सेक्टर। वैसे ये 9-10 में भी पढ़ते हैं बट देखता हम दोबारा एक बार रिवाइज रिविजन हो जाएगा जिसको आता है। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कॉर्ड लेंथ किसको बोलते हैं। तो पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इसके ऊपर दिस इज लेट्स से सेंटर ऑफ द सर्कल, इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट लिए, तो लेट्स से एक मेरा पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो जो ए लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल ना इज नथिंग बट अ कॉर्ड, और उसका लेंथ को क्या बोलेंगे, कॉर्ड लेंथ। सो कॉर्ड लेंथ इज ए बी को क्या बोलूंगा मैं, दिस इज कॉर्ड लेंथ। अभी हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, अभी हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, द ए बी इज व्हाट कॉर्ड लेंथ, और एक होता है आर्क लेंथ, जैसे मैंने इधर लिखा लेंथ ऑफ आर्क। आर्क लेंथ क्या होगा, ये वाला देखो मैं शेड कर रहा हूं रीजन, ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है ना, दिस इज व्हाट आर्क लेंथ ए बी। तो इसमें इसको हम नोटेशन कैसे करते हैं, ए बी लिखा इतना लिखा तो कॉर्ड लेंथ आएगा, बट इसके ऊपर एक आर्क बना दिया ऐसे, दिस मीन्स आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए बी। समझ में आया क्या हुआ, कॉर्ड लेंथ मतलब तो सिंपली शॉर्टर डिस्टेंस बोल सकते हैं वो बी के बीच का, बट आर्क लेंथ मतलब ये कर्व लेंथ, ठीक है यहां तक। अच्छा अब इसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, 9-10 में ही पढ़ते हैं, बाकी वो ड्राइव भी हो जाता है बट वी विल नॉट ड्राइव इट डायरेक्टली। आई एम राइटिंग आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, लेट्स से दिस इज आर, और थीटा क्या होगा, वो कॉर्ड जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो दिस कॉर्ड इज मेकिंग एंगल थीटा, तो लेट्स से दिस इज थीटा, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दिस इज थीटा, बिकॉज दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, सो थीटा इज। बस इसमें याद क्या रखना है, जो सबसे जल्दी ज्यादातर बच्चों की गलती होती है वो है वो थीटा याद नहीं रखते किसमें रखना है, बिकॉज हमें तो थीटा दो चीजों को पता है ना, डिग्री और रेडियन। तो इधर नोट करके अच्छे से लिख लो, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तभी तुम्हारा करेक्ट आएगा आंसर। क्या लिखो इधर, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है ना, और आर तो हमारा हो गया रेडियस ऑफ दैट सर्कल, जिसके आर की बात चल रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। जैसे अब इसके इसके आधार पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा फाइंड
फाइंड आर्क लेंथ, फाइंड आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस 10 मीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेट्स से 60 डिग्री एट सेंटर। ठीक है, उसने बोला एक सर्कल का आर्क लेंथ निकालो जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, और सर्कल का रेडियस दे रखा है हमें 10 मीटर। तो देखो कैसे लगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आर इंटू थीटा। ठीक है, आर इंटू थीटा तो लगाएंगे, लेकिन अभी जो हमें गिवन थीटा है क्या वो रेडियन में है? नहीं है। तो सबसे पहले आंसर इज नॉट दिस, क्या लिखेंगे हम, लिखा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो आई विल नॉट राइट 10 मीटर इंटू 60 डिग्री, गलत हो जाएगा। करेक्ट इज वी हैव टू पुट थीटा इन रेडियन, इसलिए मैं बस लिख रहा हूं ये इलस्ट्रेशन, बाकी है तो बहुत बच्चों टाइप, बट आई एम गिविंग इट जस्ट बिकॉज बहुत भाग बार क्या होता है जल्दी जल्दी में थीटा को बच्चे लोग डिग्री में रख देते हैं। तो अब करेक्ट में क्या होगा, आर तो 10 मीटर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, मैं बोलूंगा दिस मच मीटर आर्क लेंथ, 10 मीटर इंटू सॉरी मीटर इधर ऑलरेडी यूज कर लिया, तो फाइनली आई विल राइट दिस इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3 मीटर, दिस मच इज द लेंथ ऑफ दैट आर्क। क्लियर हुआ बच्चों? तो हमारा आर्क लेंथ आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ निकालना इंटरेस्टिंग है थोड़ा, लिखो नेक्स्ट कॉर्ड लेंथ, हमने तीन आर्टिकल देखे थे इसमें, आर्क लेंथ, कॉर्ड लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेकंड इसमें क्या आएगा हमारा, इसी के अंदर क्या था, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड। चलो तो और कौन सी कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऐसे लिख लो, प्रॉपर लिख लो, नहीं तो लेंथ ऑफ कॉर्ड सबटेंडिंग, सबटेंडिंग एन एंगल, एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, दैट मींस व्हाट, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, फर्स्ट टारगेट इज टू ड्रॉ द डायग्राम, तो मैंने ये डायग्राम बनाया। तो लेट्स से दिस इज द सेंटर एंड लेट्स से दिस इज द कॉर्ड ए बी, तो मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, चलो अब कैसे निकालें, और मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, एक तो ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रही है, प्लस इस सर्कल का रेडियस इज आर। ठीक है, अब क्या किया हमने, तो पहले मैं डायग्राम से वो रिप्रेजेंट कर देता हूं क्या क्या दे रखा है, दिस इज आर एंड दिस इज थीटा। ठीक है, दिस इज थीटा, लेट्स से दिस इज ओ। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक, हम 9th-10th में पढ़ते हैं कि सेंटर से अगर मैंने, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, सेंटर से अगर सर्कल के किसी भी कॉर्ड के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। लिख भी लो लिखना है तो, आई एम नॉट राइटिंग, यू जस्ट राइट डाउन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, चलो लिखी लेता हूं मैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। अगर मैंने वाइस वर्सा कैसे बोलूंगा, अगर सेंटर से मैंने किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो जो लाइन होगी ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, एंड वाइस वर्सा लिखना है तो लिख लो, बट जरूरत नहीं अभी, क्योंकि ये चीज हम दोबारा एक बार अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अभी के लिए तो उसने क्या बोला, मैं उसको अप्लाई कर देता हूं। उसने बोला कि सेंटर से अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ए बी जो होगा वो बाइसेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो दो ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, दे बोथ आर कॉन्करेंट। बोलेगा कैसे, तो कैसे ऐसे मतलब है, आरएचएस कॉन्करेंसी से भी बोल सकते हो या ट्रिपल एस से भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों रेडियस है ही, ये कॉमन साइड है, तो ट्रिपल एस से ही बोल सकते हैं, या फिर आरएचएस कॉन्करेंसी से ही बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। अगर कॉन्करेंट है तो ये वाला जो एंगल होगा ये और ये बराबर होगा। मुझे पता है पूरा एंगल तो दे रखा है इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में, मतलब इस स्टेटमेंट में, कि एंगल इज थीटा, तो ये जो छोटा सा एंगल हुआ दिस इज व्हाट, थीटा बाय टू,
क्लियर है। अब देखो मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं ए एम ओ, ये 90 डिग्री है, चलो प्रॉपर नहीं दिख रहा। अब देखो दिस इज 90, दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज एम। मैंने बोला ये वाला जो एंगल आया वो हमारा थीटा आया। अब एक बार मुझे ए एम मिल गया तो उसका ट्वाइस कर दूंगा तो ए भी आ जाएगा मेरा। अब देखो मेरे को आर पता है और ये मुझे निकालना है, लेट्स ए एम निकालना है, दिस आई हैव टू फाइंड। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बाकी अभी हम एक बार देखेंगे भी अभी साइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। हालांकि 9-10 में इतना तो पढ़ते ही है 100%, ठीक है, सभी लोग ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, तो इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? ए एम। तो ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉल आर। तो मेरा ए एम कितना आया? ए एम इज आर साइन थीटा। क्या ये मेरा कॉर्ड लेंथ है? नहीं, कॉर्ड लेंथ मेरा क्या है? ए बी ना, ए बी तो क्या है? ट्वाइस ऑफ ए एम। तो मेरा ए बी जो मुझे निकालना था कॉर्ड लेंथ इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए एम एंड दैट विल बी इक्वल टू 2R साइन थीटा। क्लियर है? समझ में आया? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर पे, ठीक है। कुछ मिस्टेक है क्या? टू का एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। ये देखो गलत लिखा है ना यार, ये थीटा बाय टू है ना, सॉरी जस्ट करेक्टेड यार, दिस इज थीटा बाय टू ना, अभी लिखा है मैंने इधर, तो ये थीटा बाय टू आएगा, फिर ये मेरा इधर बस थीटा बाय टू आ जाएगा, दिस इज थीटा बाय टू। तो आंसर आया 2R साइन थीटा बाय टू, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज और छोटी सी, अब देखो ये भी मिस्टेक मुझे कैसे पता चला, देखो कैसे पता चला वो मैं बताता हूं तुम लोगों। मैंने बोला कि मैंने क्या किया, जैसे फिजिक्स में भी तुम पढ़ते हो कि हाँ हमारा क्या बोलते हैं कि अगर साइन थीटा बहुत छोटा है तो आई कैन अप्रोक्सीमेट इट टू थीटा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने बोला फॉर थीटा वेरी स्मॉल, ऐसे लिख लो नोट करके, फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, मतलब साइन थीटा कैन बी, मतलब साइन ऑफ एनी एंगल विल बी इक्वल्स टू इट्स आर्ग्यूमेंट। अगर थीटा बहुत छोटा है तब की बात है, केवल तभी की बात है। तो देखो इससे पहले मैंने क्या लिखा था, जो गलत स्टेट लिखा था 2R साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर ये मेरा आर्क है, अगर मैंने थीटा ये जो थीटा है बहुत छोटा ले लिया मतलब बिल्कुल बारीक से ले लिया, तो क्या होगा? जो कॉर्ड लेंथ होगी और आर्क लेंथ दोनों सेम आएगी, क्योंकि देखो कर्व ऐसा बनता है ना, ऐसा कर्व होता है हमारा। बट अगर ये बहुत छोटा हुआ ना तो जो कॉर्ड लेंथ है और आर्क लेंथ है दे विल बी इक्वल ओनली मोर ऑर लेस। तो देखो अगर मैंने थीटा को वेरी स्मॉल करके अगर मैंने इधर रखा था, जैसे मैंने मन में कैलकुलेट किया तो साइन थीटा रखा तो 2R थीटा आ गया, बट मुझे पता है कि आर्क लेंथ तो आर थीटा होती है, तो मिस्टेक है, 2 की कमी आई। तो फिर मैंने देखा कि हाँ कहीं गड़बड़ है, तो गड़बड़ पता चला इधर, तो अब करेक्ट आएगा। अब साइन थीटा बाई टू, अगर थीटा बहुत छोटा है तो क्या होगा? थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, आर थीटा आ गया, और वो हमारा किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ। तो इससे हमारा एक और कंक्लूजन क्या निकला कि अगर थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज, लिख भी लो, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ कॉर्ड। बहुत छोटे थीटा के लिए हमारा जो आर्क लेंथ होगा वो लेंथ ऑफ कॉर्ड के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब आते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर। तो पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। मैंने बोला अब आते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर में इसका फॉर्मूला भी रेडीमेड है हमारे पास, हालांकि ड्राइव हो जाएगा बट दैट नीड्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली वी आर राइटिंग। मैंने बोला एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अगर ये मेरा सेक्टर है और ये एंगल थीटा है एंड दिस रेडियस इज आर, सो इसका आंसर क्या होता है? इस सेक्टर का एरिया इज, आई एम डायरेक्टली राइटिंग आर स्क्वायर थीटा बाय टू, दिस यू नीड टू मेमोराइज। एंड अगेन थीटा यू हैव टू पुट इन रेडियन, मार्क हियर ऑल्सो, जैसे उधर आर्क लेंथ में हमने थीटा बोला था रेडियन में पुट करना है, तो हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट आर इन रेडियन ओनली, नॉट इन डिग्री, ठीक है ना, ये तो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर।
बट इंटरेस्ट कहाँ आएगा जब हम दूसरा एरिया निकालेंगे, कौन सा? देखो मैं ये तो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा कलाकारी थी नहीं। हाँ, इसके लिए एक चीज छोटी सी बता सकता हूँ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन वो मैंने आर्क जो लेंथ बताया ना उसके लिए भी, उधर मैंने नहीं बताया। देखो हमने क्या पढ़ा था कि थीटा सबटेंड कर रहा है, दिस इज ए बी आर्क लेंथ, ठीक है। अगर मान लो किसी मोमेंट पे तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए आर थीटा था कि टू आर थीटा था कि आर थीटा बाय टू था, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि थीटा को 2 पाई डाल दो। अगर मैंने थीटा को 2 पाई डाल दिया तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, तो इसका मतलब आर्क किसके बराबर हो जाएगी, सर्कम सर्कल और रेडियस उसके बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर, और सर्कमफेरेंस मुझे पता है 2 पाई आर होता है, तो इसमें अगर थीटा की जगह 2 पाई डाला तो 2 पाई आर आ गया ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, 2 डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो, अगर एक मिनट के लिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी, बच्चे लोग क्या 2r स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कोई r स्क्वायर थीटा बाय 4 लिख देता है, तो अगेन कैसे मैं करोगे मेजर, थीटा को 2 पाई डाल दो, तो थीटा को 2 पाई डाल दोगे तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, तो इसका मतलब सर्कल का एरिया आ जाना चाहिए, और रख के देखो थीटा को 2 पाई डालोगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, एंड विच वी नो इट इज एरिया ऑफ सर्कल। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया जस्ट टू मेक यू कि कभी कंफ्यूजन हो, अगर 1% के लिए होना नहीं चाहिए बट फिर भी अगर होता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक यू कैन रेक्टिफाई इट। क्लियर है? चलो तो ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। इंटरेस्टिंग चीज क्या आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरा सर्कल था, ठीक है, दिस इज माय कॉर्ड एंड दिस इज द सेंटर, लेट्स से ओ, दिस इज द कॉर्ड ए बी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। चलो वीडियो पॉज करके तुम निकालो, एंड वी हैव टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। दो ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो कॉर्ड ए बी है वो इस पे थीटा सबटेंड कर रही है एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज स्मॉल आर, सो जस्ट फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकालो, ठीक है, वीडियो पॉज करके निकालो, मैं तो अभी बता ही रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या किया, अगेन सेम चीज, सेंटर से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला। अच्छा अब देखो, अभी हमने देखा था, प्रूफ किया था ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं और ये एंगल कितना आता है, थीटा बाय 2, अगर ये पूरा थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होता है। अब देखो लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, तो मैंने लिखा एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा अब रख देते हैं बेस, बेस क्या है मेरा, अभी हम निकाले थे बेस क्या है, बेसिकली ए बी ना, 2r sin थीटा बाय 2, तो हाफ इंटू 2r साइन थीटा बाय 2, ये अभी रेडीमेड हमने निकाल चुका है, बेस क्या है बेसिकली हमारा ए बी ना इस ट्राइंगल के लिए, और हाइट क्या है मेरा ओ एम, बस ओ एम निकालना और बाकी, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, बेस हमने अभी इससे पहले निकाला है, बेस इज व्हाट कॉर्ड लेंथ ना ए बी। अच्छा अब बेस निकालने के लिए क्या किया, अब देखो मेरे पास ये आर है ये थीटा बाय 2 है, तो इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं कि मेरा ये वाली आ जाए, ये ओ एम आ जाए, तो मैं लगाऊंगा कॉस थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 इज व्हाट, इस थीटा बाय 2 के रिस्पेक्ट में, अगर मैंने cos थीटा बाय 2 लगाया तो बेस क्या होगा मेरा om, तो इधर आ जाएगा om अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज r, तो om कितना आ गया r cos थीटा बाय 2। क्लियर है? तो om ही तो रखना है उधर मुझे, तो ये हो जाएगा r cos थीटा बाय 2, तो फाइनली वी आर गेटिंग r स्क्वायर बाय 2 इनटू, अब देखो इधर लिखा है 2 sin थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब अगेन इधर मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि हम बाद में देखेंगे, प्रूव भी करेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इज साइन थीटा, सो फाइनली वी आर गेटिंग आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाय 2, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए ओ बी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा इससे भी एक और चीज, जैसे अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं बताया था अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, थीटा के बराबर, तो मेरा इधर से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाय 2, और मुझे पता है वो तो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकला इससे, इस फिगर को मैं मिटा रहा हूं, बनाते जाना तुम, ठीक है ना। मैंने बोला कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को आई विल रिप्लेस विद थीटा, तो देखो मेरा क्या आएगा, छोटा है इसका मतलब क्या है कि लेट्स से दिस इज अ सर्कल, थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब दोनों पॉइंट बहुत पास में है, बहुत ही पास में, छोटा मतलब इससे भी छोटा, छोटा जब हम बोलते हैं ना तो दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, वो लिमिट्स में आएगा, टेंडिंग वगैरह क्या होता है, अभी उतना ध्यान मान दो, अभी इतना बोलो बस, थीटा बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा है ना, तो खुद देख रहे हो आप जो ट्राइंगल बनेगा, जो ट्राइंगल बनेगा और सेक्टर बनेगा मोर और लेस सेम एरिया के होंगे ना,
इसलिए देखो इधर क्या आ रहा है हमारा, थीटा को साइन थीटा को थीटा रखने पे आर स्क्वायर थीटा बाय टू आ रहा है और वही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो लिख लो फॉर वेरी स्मॉल थीटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दैट सेक्टर। क्लियर है? चलो तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, तो क्वेश्चन इज देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सच दैट ए बी मेक्स एंगल 30 डिग्री, मतलब चलो 30 डिग्री लिख लेते, 30 डिग्री एट सेंटर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब निकालना क्या है, इस सर्कल इज कट अलोंग लाइन ए बी देन फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन देन फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन। ठीक है, तो पहला क्या करो, वीडियो पॉज करके, मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, जो कर पाओगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा कि अभी तक, क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम मैप सॉल्व कर रहा हूं इसको, मैंने बोला ये सर्कल है लेट से, ठीक है, ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और ए बी कितना बना रहा है एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर, सो लेट से दिस इज माय कॉर्ड ए बी, दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी एंड लेट से दिस इज द सेंटर, सो दिस कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। क्लियर है? अब उसने क्या बोला, ये तो फिगर हो गया यहां तक क्वेश्चन का। अब उसने बोला इफ द सर्कल इज कट अलोंग द लाइन ए बी, तो उसने बोला अब इस सर्कल को मैंने ए बी के अलोंग कट कर दिया, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो मैं अलग अलग बना रहा हूं दो पार्ट्स, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बोला फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन, तो मतलब मुझे बेसिकली इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, जो छोटा वाला पार्ट है ना उसका एरिया निकालना है, समझ में आ रहा है? तो चलो अब हम इसको करते हैं, ठीक है ना, आई होप तुम लोग ट्राई कर रहे होगे, वीडियो पॉज करके करे होगे। अब मैं इसको बता रहा हूं, देखना क्या किया हमने, लेट से दिस इज A1, चलो मैं A1 मान रहा हूं और दिस इज लेट से ट्रायंगल का एरिया इज A2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस A2 जो होगा, A1 प्लस A2 इज व्हाट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, और A2 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो A1 मेरा निकल जाएगा और A1 ही तो मुझे निकालना है, तो A1 क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, दैट्स इट, और दोनों चीज तो हम सेपरेटली निकाल ही लिए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा बाय टू, तो आर स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकाला था, थीटा की जगह क्या आता है, बस साइन थीटा आता है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सो दिस इज द आंसर, आंसर मतलब वैल्यू प्लग करनी हमें, बट कीप इन माइंड थीटा यू हैव टू पुट इट रेडियन हियर, साइन थीटा में तो कैसे भी करो 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री तो हमें हाफ होता है, ठीक है, तो एक बार मैं रख देता हूं पूरी वैल्यूज, फाइनल आंसर नहीं निकालूंगा मैं, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, आर स्क्वायर की जगह 5 सेंटीमीटर 25 इंटू थीटा पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इज अगेन 25 एंड साइन ऑफ पाई बाय 6 इज 1/2, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो? दिस इज व्हाट एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, मैंने क्या किया, एबी के अबाउट कट किया था, तो दो पोर्शन आए ना, एक बड़ा और एक छोटा, उसने छोटे का पूछा था, और बड़े का पूछेगा तो क्या करेंगे, हाँ बड़े का पूछेंगे तो क्या करेंगे बताओ, तो टोटल में से छोटा कटा दो ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखो नेक्स्ट आर्टिकल या फिर नेक्स्ट टॉपिक, ये ऐसे समझ लो, पॉलीगन लिखो, नेक्स्ट इज पॉलीगन, ठीक है, हमें स्पेशली इसमें क्या पढ़ना है,
रेगुलर पॉलीगन। तो पहले मैं पॉलीगन बता देता हूं क्या होता है। देखो पॉलीगन मतलब हमें दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स, जस्ट थोड़ा सा इंट्रो डिटेल में नहीं जाना है, और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स तुम्हारा जो रेगुलर जो हम जो जनरली पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में, ठीक है ना, नाइन टेंथ। कॉनकेव क्या होता है, इस टाइप का मैंने बना दिया कुछ। तो अब तुम बता सकते हो किस बेसिस पे मैंने इसको डिस्क्रिमिनेट किया, मतलब जस्ट थिंक इट, बता तो कैसे पाओगे, ऑफलाइन क्लास है, मैं सामने हो रही, ठीक है ना, जस्ट थिंक इट, मैंने किस बेसिस पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिस्क्रिमिनेट किया अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। तो देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है, तुम देखना तुमने जो सोचा वो करेक्ट है या नहीं। इसमें क्या है, ये क्या होते हैं, इंटरनल एंगल्स होते हैं, ये सारे एंगल्स होते हैं। मैंने बोला कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, जो एंगल होंगे ना, एंगल्स दैट इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, और इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल जो होना चाहिए दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो कोई बोलेगा इसमें कौन सा एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, तो देखो बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये जो इंटरनल एंगल है, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर क्या हुआ, इंटरनल एंगल, और प्रिसाइसली लिख लो इंटरनल एंगल, ठीक है ना, क्योंकि बाहर वाले को इसको एक्सटर्नल बोलते हैं, तो इंटरनल एंगल लिख लो, इंटरनल एंगल शुड बी लेस देन, ऑल इंटरनल एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री, एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरनल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 180 फॉर फिगर टू बी कॉनकेव। हमें जो सिलेबस में दैट इज कॉन्वेक्स, तो हम कॉन्वेक्स ही पढ़ेंगे, और इसमें भी हम पढ़ेंगे रेगुलर। रेगुलर से मेरा मतलब क्या है, वो पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स बराबर है, ठीक है, तो लिख लो इधर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। अब देखना इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। तो रेगुलर पॉलीगन, और लिख लो रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइडेड, ऑफ एन साइडेड, या फिर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड, ठीक है ना। तो इसके बारे में दो चार पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, एन साइडेड है तो सबसे ऑब्वियसली बातें क्या होगी, एन देयर विल बी एन वर्टाइसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेक्सागन ले रहा हूं, लेट्स से हेक्सागन इज व्हाट, जो तुम बेंजीन वगैरह पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, दिस इज व्हाट माय हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर मतलब क्या हुआ, सभी साइड्स बराबर है, पहले ये लिख लो, रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है मतलब एन वर्टिसेस होंगी, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। और इसके बारे में और लिख सकते हैं, एन साइड हो गई, एन वर्टिसेस हो गए, और एक लिख लो, सम ऑफ इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन इज एन माइनस टू इंटू पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना, मैं शीट दूंगा उसके ऊपर भी, इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे उसमें। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज एन माइनस टू इंटू पाई, वेर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस, वन एंड द सेम थिंग। अच्छा तो ये आया कैसे, उसका चलो प्रूफ भी देखेंगे हम। मैंने बोला इसका प्रूफ पहले फिगर के हिसाब से है क्या, वो पहले वो तो देख लेते हैं हम। मतलब फिगर के हिसाब से मतलब ये सब एंगल्स का सम, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी, ये सब इंटरनल एंगल्स हैं, इन सभी का सम, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज एन माइनस टू इंटू पाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल के लिए, तो एन की वैल्यू क्या रखूंगा, मैं थ्री रखूंगा, तो एन की थ्री रखूंगा तो थ्री माइनस वन टू इंटू पाई, तो आंसर क्या आया, पाई। और हमें पता है 180 डिग्री तो होता है ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स का। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए मैं क्या रखूंगा, इधर एन की वैल्यू फोर रखूंगा, तो फोर माइनस टू इज टू, टू इंटू पाई 360 डिग्री, तो मुझे पता है स्क्वायर में इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, 90 90 90 90 चारों 90 होते हैं, कितना होता है 90, सॉरी सम टोटल कितना होता है 360, तो 2 पाई, समझ में आया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे मैंने लगा हेक्सा पेंटागन के लिए क्या है, पेंटागन मतलब फाइव साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो फाइव साइडेड के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू फाइव रखूंगा तो क्या आ जाएगा, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री पाई आ जाएगा। फिर हेक्सागन के लिए निकालूंगा तो एन की वैल्यू सिक्स रखूंगा, एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज दिस। अच्छा ये तो होगा सम, अब मैं तुमसे बोलूं इंटरनल एंगल कितना होता है, तो क्या करूं, देखो ये एंगल मुझे पता है क्या बोलते हैं अपना, रेगुलर है तो सिमेट्री है, सिमेट्री से मेरा मतलब है सभी साइड्स बराबर है, ठीक है, तो सभी एंगल्स भी बराबर है। तो मैंने बोला ईच एंगल,
ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज और, उससे पहले ये जो n माइनस टू इंटू पाई लिखा है, दिस इज नॉट ओनली फॉर रेगुलर, दिस इज फॉर एनी पॉलीगन, ये याद रखना। n माइनस टू इंटू पाई जो मैंने बोला है, दिस इज फॉर एनी पॉलीगन, मतलब जरूरी थोड़ी ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तभी उसका 180 होता है, ट्रायंगल कुछ भी ले लो तो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया तो रेक्टेंगल में सभी साइड्स तो बराबर नहीं होती, तो वो तो क्या हो गया, फोर साइडेड नॉट रेगुलर पॉलीगन, बट ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है। तो ये जो ये वाला जो फॉर्मूला लगाया है ना मैंने, ये जो अभी लगाया है ये वाला फॉर्मूला, दिस इज वैलिड फॉर नॉट ओनली फॉर रेगुलर, इररेगुलर ऑल्सो। इररेगुलर से मेरा मतलब जिसकी सभी साइड्स बराबर नहीं है, क्लियर है बच्चों। हाँ, लेकिन अगर मैंने बोला ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अब मुझे रेगुलर ऐड करना पड़ेगा इधर, अब रेगुलर ऐड करना पड़ेगा, क्या करूं अब मैं, क्यों ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं वो वाला फैक्ट यूज कर रहा हूं हर एक एंगल निकालने के लिए कि सभी एंगल बराबर है। मैंने बोला सभी एंगल बराबर है, सभी का सम ये है, तो एक एंगल क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय एन, क्या लिखू मैं, एन माइनस टू इंटू पाई डिवाइडेड बाय एन, दिस इज व्हाट ईच इंटरनल एंगल ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्राइंगल के लिए रखा, ट्राइंगल के लिए तो n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 3, तो क्या आएगा, 3 माइनस टू 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 3, तो पाई बाय 3 विच इज करेक्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है हमारा, रेगुलर बोला मैंने, रेगुलर मतलब सारी साइड्स बराबर, तो पाई बाय 3 होता है इंटरनल एंगल। फिर मैंने स्क्वायर रखा, स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर के लिए एन की वैल्यू 4 रखो, तो 4 माइनस टू 2 इंटू पाई बाय 4 विच इज 9 पाई बाय 2, और क्या होता है इंटरनल एंगल 90 डिग्री तो होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखा, अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर थिंग, वन मोर लास्ट टाइम, ये सम वाला जो फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, दैट इज नॉट ओनली फॉर द रेगुलर पॉलीगन, दिस इज फॉर ऑल पॉलीगन, बट जो एक सिंगल एंगल जो मैंने निकाला, वो फैक्ट मैंने कैसे क्या यूज किया निकालने के लिए, कि सभी एंगल्स बराबर है, इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज ओनली फॉर द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। बहुत ज्यादा एम्फोसाइज कर दिया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज, इसको तुम वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। हाँ, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं प्रूफ करता हूं, क्या प्रूफ करता हूं, कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, वो और देख लेते हैं प्रूफ। मैंने बोला सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज एन माइनस टू इंटू पाई, तो उसका प्रूफ देख रहा है। तो इसके लिए देखो, ऐसे समझो कि एक काम कर रहा हूं मैं, चलो ऐसे एक मैंने पहले हेक्सागन से समझाया तुम्हें, ठीक है, उसके बाद फिर एक जनरल ले लूंगा। दिस विल बी द सेंटर, तो देखो कोई भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करूंगा एडजेसेंट, तो मेरे को एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। अब देखना, मैं हेक्सागन से, मतलब हेक्सागन नहीं एक्चुअली, चलो हेक्सागन नहीं, मैंने इतना फिगर मिटा दिया। अब ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, ये सेंटर है इसका, दिस इज सेंटर, क्लियर है। अब सुनना, जो मैंने, चलो इससे पहले जो मैंने फिगर बनाया था पूरा बनाता एक बार और बताता हूं मैं, ये फिगर था, ठीक है। तो मैंने बोला जैसे ये हेक्सागन है, तो इसमें ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, सॉरी ये हेक्सागन हो गया, तो इसमें कितने, 6 ट्रायंगल बनेंगे, 6 बनेंगे ना। तो ये पूरा सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई, एक पूरे राउंड का 2 पाई होता है। तो मैंने बोला इतना एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स 2 पाई डिवाइडेड बाय एन, हाँ कि ना। अब मैं समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल का एक एंगल कितना होगा, कोई भी एक, सभी ट्राइंगल सेम है, सभी एंगल्स बराबर है, मुझे पता है एन ट्राइंगल्स हैं, सभी का टोटल 2 पाई है, तो एक एंगल कितने का होगा, 2 पाई बाय एन का। अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी फिगर को थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, लेट मी ड्रॉ इट, हैव पेशेंस, ठीक है। अब देखो ये इसलिए बनाया एक चीज समझाने के लिए, दिस इज अगेन अ सेंटर, अभी मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, ठीक है ना, वो आया हमारा 2 पाई बाय। अब देखो अगेन ये जो ट्रायंगल्स थे, दे ऑल आर कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, एक से ट्रायंगल है, बिकॉज माय सिमेट्रिक है फिगर, हमारा रेगुलर पॉलीगन की बात चल रही है, तो ऑफकोर्स ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, हाँ कि ना, है ना। अच्छा अब देखना, मैंने क्या किया, इस अगेन इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये मेरा 90 डिग्री है, देखना ध्यान से, ये मेरा 90 डिग्री है,
अच्छा अब अभी मैंने देखा 2 पाई बाय एन है पूरा एंगल, तो इसका ये आधा इतना वाला कितना हुआ, ऑफ कोर्स पाई बाय एन, ये सारे चीजें याद रखना, पाई बाय एन, टू पाई बाय, अभी और भी चीजें ड्राइव करेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम साइड्स या फ्रॉम वर्टिसेस, उन सब में ये काम आने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वो भी निकालने वाले हम, हर एक चीज में इसका यूज होगा, इसलिए पाई बाय एन और टू पाई बाय एन याद रखना, पाई बाय एन क्या है अकॉर्डिंग टू द फिगर, ठीक है। अच्छा तो ये वाला एंगल मेरा कितना हुआ इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से, ये 90 है, ये पाई बाय एन है, तो ये क्या होता होगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय एन, हाँ कि ना, क्लियर है। अब मैंने बोला वो ये वाला टोटल एंगल कितना हुआ, ये वाला टोटल एंगल, ये आई मीन ये वाला पूरा, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, तो ये तो मेरा कितना आया, एक एंगल आया, एक एंगल आया, मतलब ये पूरा एंगल आ गया, ऐसे कितने एंगल हैं टोटल, एन ना, तो इसको मैंने एन से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या जाएगा मेरा सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, कैलकुलेट करके देखते हैं अब इसको, तो पाई को बाहर ले लिया, टू को अंदर भेज दिया, तो पाई और टू बाय टू वन माइनस टू, एक मिनट में कुछ गलती हो गया, चलो एक बार पाई को बाहर लेता हूं मैं और टू को अंदर भेज दूं, तो टू बाय टू माइनस टू बाय एन इंटू एन, तो ये हो गया खत्म, तो पाई टाइम्स एन माइनस टू करेक्ट आया हमारा, समझ में आ रहा है। एक बार और बताता हूँ, ये चीज अच्छी है थोड़ी, तो देखो दोबारा एक बार सुन लो जिसको नहीं समझ में आया, कैसे निकालना मैंने, देखो आखिरी बार बता रहा हूं मैं, उसके बाद तुम्हें रिवाइंड करके देखना अगर नहीं आता है तो। कैसे स्टार्ट किया हमने, मैंने कहा मुझे प्रूफ करना है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, ऑल इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू पाई, एक तो हमने याद कर लिया, अच्छी बात है, बट प्रूफ भी पता होगा तुम्हें, एटलीस्ट इस पॉलीगन्स रेगुलर पॉलीगन्स रिलेटेड ज्योमेट्री पता होगा ना हमें काफी हद तक। तो मैंने बोला सबसे पहली बात हमने स्टार्ट कैसे की, लेट्स से ये मेरा रेगुलर पॉली हेक्सागन टाइप का ले लिया मैंने एक फिगर, फिर मैंने बोला ये सेंटर है, तो मैंने बोला व्हाट इज दिस एंगल टोटल एंगल, तो पूरा सर्कल 2 पाई का बनाता है, ऐसे एन ट्राइंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाय एन, फिर मैंने बोला इससे परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों ट्राइंगल्स कंकरेंट होंगे, तो ये वाला एंगल कितना हो गया पाई बाय एन, फिर मैंने बोला ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ये वाला एंगल कितना है, ये पाई बाय एन है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस पाई बाय एन, 90 माइनस 90 मतलब पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस पाई बाय एन, इसका ट्वाइस इस ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, और ये तो एक एंगल आया, ऐसे कितने होंगे एन एंगल्स, तो इनटू एन, ठीक है यहां तक क्लियर है। तो एक काम करते हैं आज हम यही एंड अप करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हम पेस पकड़ेंगे, डोंट थिंक हम काफी स्लो, थोड़ा स्लो शुरू में स्लो जाऊंगा, बाद में हम धीरे धीरे पेस पकड़ेंगे, और इंपॉर्टेंट है जो आज का पढ़ा है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा बट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है ना, स्पेशली जो रेगुलर पॉलीगन वाला पार्ट है ना, सेक्टर वाला फिर भी कम ही यूज होता है, होगा वो भी लेकिन उतना नहीं होगा, बट रेगुलर पॉलीगन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ठीक है, और जो एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री में जो हम आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ते हैं वो एक दो लेक्चर बाद आएगी, एक दो तो नहीं बोलूंगा, हाँ आइडेंटिटी प्रॉपर फॉर्मुलेज जो यूज होंगे वो एक दो लेक्चर बाद ही स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो ठीक है फिर इतना काफी है। और वो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तीनों मैंने पहले भी बोला है, क्वाड्रेटिक हमारा डेली चलेगा, ठीक है ना, डेली मतलब आई विल ट्राई टू गिव एटलीस्ट टू क्वेश्चंस तो दिया ही करूंगा मैं, ठीक है ना, और कब तक, जब तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री का एक लेवल नहीं आ जाता, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री की शीट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते, वो एलिजिबल कब होंगे, जब हम 5-7 लेक्चर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, तो फिर एंड अप करते हैं, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।